नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबर आई है बांग्लादेश से कि अमेरिका जो है वो गिराना चाहता है बांग्लादेश में जो वर्तमान में सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, इन्होंने लगा दिया है आरोप कि हमारी सरकार के पीछे पड़ चुका है अमेरिका और गिराना चाहता है, मतलब कि एक ऐसी सरकार लाना चाहता है जो कि लोकतांत्रिक नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं क्यों ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। तो न्यूज़ आती है, शेख हसीना एक्यूजेज यूएस ऑफ सीकिंग रिजीम चेंज। रिजीम चेंज यानी कि इनकी जो सत्ता है उसका परिवर्तन करना चाहता है अमेरिका। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना स्लैम्स यूएस इन पार्लियामेंट, अपनी संसद के अंदर ये बात जो है इनके द्वारा बोली गई। आरोप अमेरिका के ऊपर कुछ इस प्रकार के लगाए गए थे। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इनके द्वारा बोला गया है दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट डेमोक्रेसी, कि हमारे देश के अंदर से लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है अमेरिका, एंड इंट्रोड्यूस आ गवर्नमेंट दैट विल नॉट हैव डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस, कि एक ऐसी सरकार लाना चाहता है अमेरिका जो कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। अब दूसरी सरकार कौन होगी, तो ऐसी ही एक नेता है जैसे कि ये शेख हसीना है, उसी प्रकार से इनकी एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करती थी जिनका नाम था खालिदा जिया। मतलब अमेरिका खालिदा जिया की सरकार लाना चाहता था। अब खालिदा जिया कहां पर हैं, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लगाने के बाद 2018 के आसपास उनको जेल में डाल दिया था, और जब कोरोना काल आया था तब उनकी जेल से रिहाई हुई थी। आलम इतने खराब हो चुके हैं कि जो सरकार है फिलहाल में इनकी बांग्लादेश के अंदर, जो इनका विपक्ष है खालिदा जिया की जो सरकार है, खालिदा जिया की सरकार के साथ लगभग 12 अन्य पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं वर्तमान में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, और आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। इट विल बी एन अनडेमोक्रेटिक एक्शन, ये जो है एक्शन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होगा, ऐसा आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। कुछ ऐसी ही सेम घटना हमने देखी थी जब पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था। पाकिस्तान के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान खान। इमरान खान ने भी अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए थे कि अमेरिका ने उसकी सरकार को ख़त्म कराया है, और वर्तमान में जो शहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तान में चल रही है कुछ ऐसा घटनाक्रम जो है देखने को मिला था। तो ये आरोप लगाए हैं, पुष्टि अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। पाकिस्तान पीएम अक्यूजेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बैकिंग मूव टू आउट सिम, कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सपोर्ट किया गया है विपक्षी सरकार का, ऐसा इन्होंने भी आरोप लगाया था। और बांग्लादेश के अंदर भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। बांग्लादेश गोज नट्स ऑन यूएस पीएम, दे आर लेक्चरिंग अस ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, व्हाट द सिचुएशन। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि बांग्लादेश के द्वारा जो अमेरिका के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनके द्वारा कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिमों की सरकारों को बदलना या फिर हाथ में रखना हमेशा चाहता है। अब थोड़ी सी बात जो होगी वो होगी बांग्लादेश के अंदर एक फोर्स के बारे में जिसकी लगातार आलोचना या फिर भर्त्सना जो है बड़े स्तर पर की जा रही है। कहा जाता है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो फोर्स है जिसको जानते हैं रैपिड एक्शन बटालियन के नाम से या फिर आरएबी के नाम से, इसके द्वारा बहुत गंभीर आपराधिक कृत्य किए जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाया जाता है सरकार के द्वारा। असल में 2004 के अंदर इस रैपिड एक्शन बटालियन का गठन किया गया था बांग्लादेश के अंदर, और इसके अंदर कौन कौन लोग हुआ करते थे, तो बहुत उच्च स्तरीय पुलिस की एक बटालियन थी ये, बांग्लादेश की आर्मी के लोग हुआ करते थे, बांग्लादेश की नेवी के लोग इसमें होते हैं, बांग्लादेश एयरफोर्स के लोग इसमें होते हैं, बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के लोग इसके अंदर होते हैं, बांग्लादेश सिविल सर्विस के लोग होते हैं, बांग्लादेश अंसार, ये सारे के सारे लोगों का मिला जुला एक संगठन है जिसको कि बोला जाता है रैपिड एक्शन बटालियन। ये संगठन या कहें कि ये फोर्स बांग्लादेश की इतनी खतरनाक फोर्स है कि एक बार 100 लोगों को इन्होंने उठाया था और उसमें से 44 लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो 44 लोग कहां चले गए, ऐसा खुलासा हुआ था एक जिसके बारे में अमेरिका ने कर दिया था अपना एक विरोध दर्ज। इसी के चलते ये आरोप लगे हैं। कहा जाता है 2004 के अंदर जब इसका गठन किया गया था रैपिड एक्शन बटालियन का, उस समय इनकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी खालिदा जिया। जब खालिदा जिया इनकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय इसका गठन किया गया था। उसके बाद खालिदा जिया के ऊपर आरोप लगे कि इस फोर्स का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर कहें कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब प्रोटेस्ट चल रहे थे खालिदा जिया के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना ने बढ़ चढ़कर इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और वादा किया था अपनी देश की जनता से कि शेख हसीना जब आएंगी सत्ता के अंदर, ये शेख हसीना जो हैं शेख मुजीबुर रहमान, यदि आपको नाम याद हो इनका मुजीबुर रहमान, जिनको कि बंग बंधु के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश को आज़ाद कराने का श्रेय उनको जाता है बंग बंधु को, तो उन्हीं की ये पुत्री हैं शेख जियाउर रहमान की।
तो जब शेख हसीना आई तो शेख हसीना ने वादा किया था कि ये जो रैपिड एक्शन बटालियन है इसको पूरी तरह से हम ख़त्म कर देंगे, पूरी तरह से इसको हम ख़त्म कर देंगे और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शेख हसीना आती हैं सत्ता के अंदर और सत्ता के अंदर आने के बाद ये जो है अपने प्रयोग करना शुरू कर देती हैं इस रैपिड एक्शन बटालियन का, और किसी प्रकार का कोई एक्शन जो है वो इसके खिलाफ नहीं लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अब इनके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके देश के अंदर कि आपने जो वादा किया था वो वादा नहीं किया, बल्कि अब शेख हसीना के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये रैपिड एक्शन बटालियन जो है इसका प्रयोग किया जाता है इनके द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव हुए थे खालिदा जिया के समय पर, वो चुनाव असल में सत्ता को लेकर ना होकर ऐसा लगता था जैसे कि इस रैपिड एक्शन बटालियन जो है इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए ये चुनाव हुए थे। इट वॉज फ्रॉम 26 मार्च 2004 को ये इसका जो है गठन हुआ था। इसको पहले रेट के नाम से जाना जाता था, RET यानी कि रैपिड एक्शन टीम। ये अब जो है इसका नाम परिवर्तित करने के बाद रैपिड एक्शन बटालियन इसका नाम हो जाता है और काम करती है ये बांग्लादेश के अंदर। इसी के चलते अमेरिका ने ये जो इनकी रैपिड एक्शन बटालियन है इसके ऊपर लगा दिए सैंक्शन। आप देखते हैं सारे के सारे डायरेक्टर जनरल लेवल के जो अधिकारी हैं इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। तमाम देशों के अंदर जाने में पाबंदी वगैरह होती है, इनके अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंट्स वगैरह सीज हो जाते हैं जब सैंक्शंस लगते हैं। जब सैंक्शंस लगाए गए थे उसके जवाब में बांग्लादेश अर्जेस US अमेरिका से कहा था, अमेरिका से विनती की गई थी टू रिव्यू सैंक्शंस अगेंस्ट इलीट पुलिस फोर्सेस ऑफिसर्स, की जो पुलिस फोर्स के जो ऑफिसर्स थे इनके RAB के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर से सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा हटाए जाएं, कुछ इस प्रकार की बात निकल कर आती है। अब एक न्यूज़पेपर निकल कर आता है जिसको जानते हैं DW। अब ये DW क्या है, तो जर्मनी जो एक देश है, जर्मनी का ये एक गवर्नमेंट फंडेड मीडिया चैनल है, मतलब जर्मनी की सरकार से इस चैनल को मिलता है पैसा। ये वही न्यूज़ चैनल है जिसने इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो खत्म हुई थी। तो ये जो चैनल है इसने कहा था डेथ स्क्वाड इनसाइड बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन। 2023 की आप ये लेटेस्ट खबर देखते हैं कि बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन बटालियन है इसको डेथ स्क्वाड कहा गया था। क्यों कहा गया था, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसने खुलासा किया था इस रैपिड एक्शन बटालियन के बारे में कि किस प्रकार से रैपिड एक्शन बटालियन के द्वारा काम किया जाता है। तो उसने बताया था व्यक्ति ने कि फर्स्ट ही से जो व्यक्ति का जिसका इंटरव्यू लिया गया था, असल में इनके द्वारा आरोप लगे थे कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय ये रैपिड एक्शन बटालियन जो है वो उठा सकती है, पूछताछ कर सकती है कहाँ वो व्यक्ति है, किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी और ये खुलेआम मतलब फ्री हैंड काम जो है ये कर सकती है रैपिड एक्शन बटालियन। ऐसी स्थिति में जब लगा शेख हसीना के खिलाफ जब लोगों के प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, विरोध होना शुरू हुआ, तो शेख हसीना ने थोड़ी सी नरमी बरतते हुए कहा था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा रैपिड एक्शन बटालियन के द्वारा उसको हम मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। मीडिया के सामने प्रस्तुत करने वाली जो बात थी, तो ऐसा ही जब एक व्यक्ति था वो ये जो न्यूज़ चैनल हमने देखा था अभी DW न्यूज़, उस चैनल के पास जाता है और खुलासा करता है कि किस प्रकार से उसको बंदी बनाकर रखा गया था। उस व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है कि उसको पानी के रास्ते ले जाया गया एक बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर ना कोई खिड़की थी ना कोई दरवाजे थे, बाहर से देखने पर लगता नहीं था कि ये बिल्डिंग जो है कुछ अंदर से इस प्रकार से हो सकती है। उसके अंदर सेल बने हुए थे। उस व्यक्ति को वहाँ ले जाकर मारा पीटा गया और उसके चारों तरफ शराब भर दी गई, शराब की बोतलें जो है पुलिस लाई थी, शराब जो है चारों तरफ उस व्यक्ति के लगा दी गई या फिर उसके घर पर जो है लगा दी गई। फिर उसके बाद मीडिया को इन्वाइट किया गया। मीडिया को इन्वाइट करने के बाद बताया गया कि हमने इस व्यक्ति को इस वजह से गिरफ्तार किया है कि ये शराब की तस्करी करता है। तस्करी के नाम पर मीडिया फिर चली जाती है। मीडिया के जाने के बाद उस व्यक्ति को उस घर के अंदर ले जाया जाता है। वो कमरे जो हैं जहाँ तक यूजुअली साउंड प्रूफ होते हैं, फ्रॉम द आउटसाइड ऐसे लगते हैं कि ये कि ऐसे अंदर टॉर्चर रूम हो सकते हैं। आई थॉट ही सेज इंडिग्नेटली ओनली टेररिस्ट वर ट्रीटेड लाइक दिस। उस व्यक्ति ने बताया कि कुछ मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ था जैसा कि आतंकवादियों के साथ व्यवहार किया जाता है। कुछ इस प्रकार का एक स्केच बनाया गया था उस व्यक्ति के जो बयान दिए थे DW न्यूज़ को। उसके बाद टॉर्चर रूम कुछ इस प्रकार के होते थे जिसके अंदर ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजे, कैमरा होते थे, दरवाजा होता था उसके अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें होती थी ये बताया गया था। और ये इंटरव्यू पब्लिश किया गया था DW न्यूज़ के द्वारा। अमेरिका से पूछा गया कि ये बांग्लादेश की रैपिड बटालियन जो है ये काम जब करती है, इसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं DW न्यूज़ ने, तो अमेरिका इस पर क्या करेगा। तो अमेरिका ने कहा था US होप्स बांग्लादेश गवर्नमेंट विल एग्जामिन DW's एलिगेशंस अगेंस्ट रैब, कि रैब के खिलाफ जो
एलिगेशंस लगाए गए हैं DW न्यूज़ में, उसको बांग्लादेश जो है वो रिव्यू करेगा और उसको जांच बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। बांग्लादेश लेफ्ट आउट ऑफ US डेमोक्रेसी समिट अगेन। अब इसके बाद जो खबर होती है तो नाराजगी की एक कारण हमने देख लिया कि इनकी रैब के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, और दूसरा जो कारण है एलिगेशंस का वो ये है कि अमेरिका के अंदर फिलहाल कराया गया था एक डेमोक्रेसी समिट जहां दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को बुलाया गया था। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया था। बांग्लादेश लेफ्ट आउट ऑफ डेमोक्रेटिक समिट, जो डेमोक्रेटिक समिट था उससे बांग्लादेश को आउट रखा गया था, और इसलिए क्योंकि अमेरिका का कहना था कि हम नहीं मानते कि यहाँ पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी काम करती है, इसी वजह से इनको नहीं बुलाया गया था। आप ये देखते हैं, ये हैं खालिदा जिया जो कि जेल में रहकर आई थी और यही अब आकर सत्ता के अंदर आना चाहती हैं फिर से वापस, और सत्ता की ये रस्साकसी बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिलती है। जिया को 17 साल की जेल हुई थी, फरवरी 2018 से लेकर ये जेल में थी और 2021 के आसपास ये जो है जेल से रिहा होकर आई हैं। BNP जो कि सरकार है, जो कि पार्टी है इनकी, उसके द्वारा 12 पार्टी अलायंस जो हैं वो विरोध कर रहे हैं फिलहाल की वर्तमान में जो सरकार है शेख हसीना की। उम्मीद है साथियों बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है आपको पूरी तरह से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।